क्यों है हमारे इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक आप सभी की हीरो स्प्लेंडर पस। बहुत ही साल से इस गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में और बहुत ही अच्छा ऑलरेडी इसने रिस्पांस पकड़ के रखा हुआ है। तो क्यों हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है और क्यों सबके जुबान पे इसका सबसे पहले नाम रहता है, आज आपको हम वीडियो में इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आज आपको हम हीरो स्प्लेंडर BS6 2021 मॉडल का एक डिटेल्ड रिव्यू देने जा रहे हैं। यह हमारे पास 2021 की मॉडल है, उसके साथ ही लगभग 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल भी चुकी है। तो आज आपको हम वीडियो में इस करेक्ट माइलेज, कैसा कंफर्टेबल राइड है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल इस बाइक का कैसा रिस्पांस है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इसे एक मात्र वीडियो में देंगे। तो जो लोग भी 100cc की बहुत ही शानदार बाइक लेने सोच रहे थे या 110cc का, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक को स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर ओवरऑल बात करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास ITS वाली वेरिएंट है। ITS आपको फ्रंट में बैचिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल हीरो की तरफ से ये बहुत ही शानदार बाइक देखने को मिल जाती है। टोटल आज के डेट में आपको इसमें 5 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। किक का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही आपको सेल्फ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको जो वेरिएंट लेना हो आप उसके साथ जा सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट जो उसकी 100 मिलियन एडिशन आई है, लगभग ऑन रोड प्राइसिंग को लगभग आपको 92,000 के आसपास कॉस्ट करती है। उसके अलावा अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी जो बेस वेरिएंट है लगभग आपको 83 के आसपास कॉस्ट करती है। उसके अलावा आपको लगभग 1 से 2 हज़ार रुपये डिफरेंस देखते मिल जाता है। 83, 84, 85, 86, 87 ऐसे इसकी वेरिएंट जाती हैं। तो बाकी आपको जो भी वेरिएंट लेना हो आप उसके जा सकते हैं। ITS जाना है तो ITS ले सकते हैं, नॉन ITS चाहिए तो नॉन ITS ले सकते हैं। ITS का अगर आपको यूज़ लगता है तो बिल्कुल आप ITS वेरिएंट से जा सकते हैं, वैसे कोई उसका ज़्यादा यूज़ पड़ता नहीं है। उसके साथ ही पावर स्टार्ट देख सकते हैं, बैचिंग कंपनी क्लियर कट की हुई है। 4 गियर सिस्टम बॉक्स यहाँ देखने को मिल जाता है। इंजन वाइज बात करेंगे 97.2cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन देखने को मिल जाता है। 8.2 PS की मैक्स पावर, 8.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो पावर फिगर से गाड़ी ठीक ठाक है, पावर फिगर से ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ओवरऑल महसूस आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, बेस्ट इन द सेगमेंट आप नहीं बोल सकते। अगर आपको पिकअप चाहिए, आप ऐसा पिकअप के लिए इस गाड़ी को ले रहे हैं तो जी नहीं, आपके लिए फिर ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगी। तो इस गाड़ी का जो पिकअप है अच्छा है, लेकिन बेस्ट इन सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं। 9.8 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, तो लगभग 10 से 11 लीटर तेल आराम से अट जाता है इस गाड़ी में। माइलेज की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, माइलेज कैसा मिल रहा है गाड़ी से। गाड़ी तो सब लोग परचेस कर ले, गाड़ी परचेस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल माइलेज वाइज कैसा इस गाड़ी से रिस्पॉन्स आता है। तो माइलेज आपको 55-60 तक का माइलेज इजिली देखने को मिल जाएगा। 55-60 तक का माइलेज आपको इस गाड़ी से कहीं नहीं गया, और 55-60 तक का माइलेज निकाल के देने में गाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल है। इसलिए आप इसे किसी कंडीशन में राइड करिए, आपको ये 55-60 तक का माइलेज इजिली निकाल के दे देती है। क्योंकि इसके जो फ्रंट और बैक दोनों टायर है 80x118 इंच के ट्यूबलेस टायर बैक और फ्रंट दोनों ही साइड में यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रेकिंग वाइज भी कोई ओवरऑल दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अब आपको यहाँ पे अपग्रेड करके, आप सभी को पता है आपको जैसे होंडा सीरियस ब्रेकिंग ऑफर करता है, वैसी कंपनी भी आपको यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफर कर दी है। जो कि आप लोग देख सकते हैं फ्रंट मिडल 3 वायर गए हुए हैं, 3 वायर मतलब एक फ्रंट ब्रेक का वायर गया हुआ है, एक मीटर कंसोल का वायर गया हुआ है, और दूसरा जो एक वायर गया हुआ है उसकी डबल ब्रेकिंग गया है। मतलब अपने बैक का ब्रेक पैडल अप्लाई करेंगे तो बैक और फ्रंट दोनों ही टायर हुआ है, देख सकते हैं फ्रंट में टोटल आपको 3 वायर देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग वाइज ओवरऑल बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। ब्रेकिंग वाइज कोई भी दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से हमें डे टू डे लाइफ में महसूस नहीं होती है। ब्रेकिंग में गाड़ी बहुत ही सक्सेसफुल है, और पहले से कंपनी का ब्रेकिंग अच्छा इंप्रूव किया है ताकि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। लॉन्ग टर्म रिलेबल गाड़ी, इंजन आप लोग जानते हैं, उसके अलावा आप लोग इस इंजन जानते हैं जिसके से गाड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसका इंजन इतना बेहतरीन है, इतना साइलेंट, इतना स्मूथ इंजन है कि आपको लॉन्ग टर्म रिलायबल इंजन है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसे रफ एंड टफ यूज करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी आप करना चाहते हो इस गाड़ी से, अगर आप रेगुलर यूज करेंगे और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के दे हर फील्ड में, चाहे किसी भी तरह का रोड हो, चाहे किसी तरह कंडीशन हो, तो जी हाँ बिल्कुल आपके लिए ओवरऑल फर्स्ट प्रियोरिटी जरूर बन के आ सकती है। कि ओवरऑल गाड़ी का जो इंजन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार इंजन है। उसके अलावा आपको कंपनी इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, एक शानदार मीटर कंसोल ओवरऑल कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। भले फुली लॉन्ग मीटर कंसोल है, लेकिन कंपनी ने आपको साइड स्टैंड जो कट ऑफ फीचर ऐड किया है, इंजन माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो इसका मीटर कंसोल है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो ओवरऑल कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, बैक में आपको नॉर्मली टेल लैम्प देखने को मिलता है हैलोजन वाला ही, साइड्स के इंडिकेटर भी आपको हैलोजन वाला देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ये अच्छी बात है कि अगर कभी भी आपकी कोई दिक्कत परेशानी गाड़ी में आती है तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले, आपके कम पैसे में आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस हीरो कंपनी के स्प्लेंडर प्लस के बारे में, कि अगर इन केस कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आता है, आप सर्विसिंग गाड़ी की नहीं करा पा रहे टाइम पे, तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी ओवरऑल इस गाड़ी से आपको महसूस नहीं होगी, कि गाड़ी रफ एंड टफ कंडीशन में बनाई गई है। और ओवरऑल जो आपको इसमें इंजन देखने मिल जाता है उसका कोई जवाब नहीं है, जिसके वजह से गाड़ी का आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा ये गाड़ी बिकती है अपने सेगमेंट में। अपने सेगमेंट में क्या, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली टू व्हीलर है ये,
जिसका इतना अच्छा डिमांड बना हुआ है। लगभग हर महीने की बात करेंगे तो 2 लाख के आसपास ये हर महीने यूनिट इसकी आराम से बिक जाती है। तो वो जो गाड़ी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स बना हुआ है। बाकी अगर आप समझ कोई भी 100 cc की बहुत ही शानदार बाइक ढूंढ रहा है जो कि लाइट वेट हो, कंफर्टेबली यूज़ कर सके, इंजन वाइज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, सेल्फ और किक दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। तो बिल्कुल ओवरऑल जो गाड़ी है सेल्फ और किक दोनों ही प्रोवाइड करती है, उसके अलावा 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बैक में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसको थोड़ा मोड़ा आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सीट में एक शानदार कुशनिंग जिन्होंने मिल जाती है, तो कंफर्टेबल लाइट भी आप इस गाड़ी से इजीली कर सकते हैं। जिसका बैक का कैरेज देख सकते हैं, जो बैक में आपको हैंडल जिन्होंने मिल जाता है, उसका भी इस कंपनी ने साइज आपको इंक्रीज करके दिया हुआ है BS6 में, ताकि अगर आप सामान रखना चाहें या सामान होल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें तो वो आपके लिए ईजी पड़े। तो ओवरऑल जो गाड़ी है वो बहुत ही बेहतरीन और अपने सारे सेगमेंट पर बहुत अच्छा क्वालिफाई करती है। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं 100 cc 110 cc की बहुत ही शानदार बाइक लेने का, जिसमें आपको शानदार माइलेज जिन्होंने मिल जाए, ओवरऑल डिसेंट सा लुक देखने को मिलता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लुक वाइज सबसे बेस्ट गाड़ी है, लेकिन लुक वाइज ऐसा नहीं सबसे खराब गाड़ी है, लुक भी ओवरऑल गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है। आप आगे चल के चाहें तो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस अपग्रेडेशन बिल्कुल करा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप 100 cc कोई एक बहुत ही शानदार बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें शानदार माइलेज देखने को मिल जाए, शानदार इंजन देखने को मिल जाए, उसके साथ ही साथ ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के दे, तो बिल्कुल आपके लिए हीरो की स्प्लेंडर प्लस बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी बन के आ सकती है, और आप बिल्कुल हीरो की स्प्लेंडर प्लस कर जा सकते हैं। ओवरऑल जो इस गाड़ी का लुक है, सिग्निफिकेंट लुक है, उसके साथ ही ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है, और साथ में जो शानदार गाड़ी माइलेज परफॉर्मेंस निकाल के देती है, एक शानदार इंजन के साथ आती है, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी साथ जा सकते हैं। माइलेज आपको हमने बता दिया, लगभग 55-60 km का माइलेज आराम से गाड़ी निकाल के देती है। FI इंजन आपको यहाँ भी यूज़ किया गया है, उसके साथ ही आपको जो ब्रेकिंग वाइज रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। कॉम्बी ब्रेक का यहाँ भी यूज़ किया गया, कॉम्बी ब्रेक से आपका बैक और फ्रंट टायर दोनों ही एक टायर पर लॉक होगा, फ्रंट और बैक दोनों टायर, तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग है अच्छी निकल के आती है। ITS टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है गाड़ी, 100 million एडिशन गाड़ी की अवेलेबल है, तो 3-4 एडिशन में गाड़ी अवेलेबल है, जिस एडिशन में चाहे आप उस एडिशन में परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में, क्या 2022 में आपको इस बाइक के साथ मूव करना चाहिए नहीं। बिल्कुल हाँ, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बाइक ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल हीरो स्प्लेंडर प्लस फर्स्ट प्रायोरिटी बनकर जरूर आनी चाहिए, कि ओवरऑल जिस गाड़ी की लुक है, ओवरऑल जिस गाड़ी की सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस जो है, वो आज की डेट में आपको कोई दूसरी बाइक ऑफर नहीं कर पाएगी। ये आपको दावे के साथ हम बता रहे हैं, जो ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस निकल के आता है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस निकालती है। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए जिसमें शानदार परफॉर्मेंस, रफ एंड टफ आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, आपका जो डेली यूजेस है वो ज़्यादा रहते हैं, आप सिटी भले यूज़ करते हैं लेकिन आप डेली 50-100 km गाड़ी चलाते हैं, आपका फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, तो बिल्कुल आपके लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस ही बनी है, और आप बिल्कुल हीरो स्प्लेंडर प्लस बिल्कुल मूव करिएगा। ओवरऑल जो इस गाड़ी का इंजन है रफ एंड टफ है, टिकाऊ इंजन है, लॉन्ग टर्म रिलायबल इंजन, आप इस गाड़ी को 10 साल 12 साल 15 साल भी आराम से चला सकते हैं, और इंजन से आपको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा। तो होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं, और आप सभी को हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की प्राइसिंग लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में इसकी लगभग सारी मॉडल इन्हों मिल जाएंगी। लगभग आज की डेट में 5 मॉडल इन्हों मिलती है, 100 million एडिशन, एक नॉर्मल एडिशन, ITS विदाउट ITS विदाउट सेल्फ, तो आपको लगभग ये 5 मॉडल्स इन्हों मिलते हैं, और 5 मॉडल की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 80, 82, 84, 85, 86 ऐसे जाके 90 तक एंड हो जाती है। तो बिल्कुल आपको जो इनकी लाइनअप में बेस्ट वेरियंट लगे, जो आपको कलर अच्छा लगे, क्योंकि आपको ब्लैक एडिशन भी इन्हों मिलता है जो इनका 100 million एडिशन है, उसके अलावा लिमिटेड एडिशन भी है, तो आपको जो बेस्ट लगे आप उस बाइक के साथ इनके लाइनअप में जा सकते हैं। ओवरऑल सारी बाइकें लगभग सारे फीचर्स एंड फंक्शन सेम ऑफर करती हैं, बस स्टिकर्स और कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंस मिल जाता है। ये जो सिंपल जो आपकी डिफॉल्ट वेरिएंट है वो आपकी ये रहती है, और इसमें भी आपको 4 से 5 कलर कॉम्बिनेशन, लाल ब्लू ऐसे आपको लगभग 4 से 5 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके स्प्लेंडर प्लस इतनी क्यों बिकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।